सो गाइस, आपको एक असली चीज दिखाता हूँ। कितनी ठंड थी रात को, ये देखो, ये देखो बर्फ जम गई, बर्फ। ये देखो बर्फ जमी हुई है, ठंड इतनी थी यहाँ पे। और ये देखो, सबसे ज्यादा बर्फ तो इस पे है। ये देखो, ठंड पूरी है। सो गाइस, पैकिंग हो चुकी है, बाइकिंग आर गेटिंग रेडी, एवरीबॉडी इज रेडी टू लीव। देख लो आप कैसे बाइक लोडेड है हमारी। और अभी हम इस वाले होटल में रुके हुए थे, होटल सिद्धि विनायक करके नाम है, अच्छा होटल है, प्रेजेंट स्टे था। इस रास्ते से अभी हम नीचे जाएंगे, आपको दिखाएंगे नीचे का, वो है अपना जागेश्वर मंदिर। शुरू करते हैं आज की जर्नी। और जो आज का जो हमारा जो मोस्ट प्रोबली जो डेस्टिनेशन है वो है पंगोट। पंगोट एक अगेन अ वेरी आइसोलेटेड वैली है, दिखाते हैं कैसा है। नैनीताल से अनदर 15 किलोमीटर्स अहेड है, तो अभी हम वापस नैनीताल की तरफ जाएंगे एंड अपना फिर वो डाइवर्जन लेंगे टूवर्ड्स पंगोट। मस्त लोकेशन थी इस पर्टिकुलर रिजॉर्ट की, बढ़िया मजा आ गया। अरे धीरे धीरे आना बाबा, काटने में दिक्कत आएगी बहुत ज्यादा, क्योंकि गलत जगह है कटाई इसकी। और मैं आ गया नीचे, बिल्कुल ज्यादा ब्रेक, हल्के ब्रेक लग, हल्के बिल्कुल वाइड काटियो, वाइड। हाँ अब धीरे धीरे ले, धीरे धीरे बस आ गया। ये आए मिस्टर शेखर, वाइड काटना, वाइड लेना, बिल्कुल वाइड लेना, फिर काटना हल्की। हाँ आ जाओ, तुम्हारी तो बहुत प्यार से कट गई, बाइक वहाँ आगे खड़ी कर लो। कोई आया? और बढ़िया, आ जाओ। Here comes Mr. Garvit. जब नीचे आएगा ना यहाँ पे टर्न पे, वाइड लियो, वाइड ब्रेक लेते चल। बहुत बढ़िया, आ जा भाई, तू भी आ जा। हाँ मैं आ रहा हूँ, या फिर एक बंदा चले जाए, आ जाओ। हल्का ब्रेक रख, हल्का ब्रेक मारते चल। हाँ बस, ये तो तू सीधा चला गया। हल्का लियो, आ जा, जगह बहुत है, पीछे मत कर, पीछे नहीं होगी, आजा आगे आ जा। लिया, ब्रेक से कंट्रोल रख बाइक पे, चल आजा, बहुत जगह आजा, आ जाएगी, आराम से चलो, आ जाएगी, चल, बहुत बढ़िया, ऐसी ब्रेक मारने हैं, चलो कट गई, आजा। चलो बहुत बढ़िया, और ले जाओ। तो ऐसा है जी, हमने ले लिया ब्रेक ब्रेकफास्ट के लिए, जो हम सुबह करके निकले नहीं है। बाइक जेलोस हमने पार्क कर दी अपनी मस्त एकदम। हमारा जो पंगोट है यहाँ से है 95 किलोमीटर, 100 किलोमीटर ऑलमोस्ट है, और हमें लगे कम से कम 4 घंटे पहुँचने में। रोड एकदम मस्त है मेरे,
गाड़ी 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 आई गाड़ी आ, ओए होए ये तो बिल्कुल बढ़िया व्यू हो रहा है, खींच के लिए थोड़ी सी मस्त व्यू आएगा, थोड़ा चला के ओए होए होए होए, ये जो ऑरेंज जो मिक्स हो रहा है ना कलर बिल्कुल बदल गया, या बहुत ही बढ़िया व्यू मिल रहा है भाई साहब, बहुत बढ़िया व्यू। यहाँ से चला दें ऊपर, यहाँ से चढ़ जाए ऊपर, नहीं चढ़ेगी नहीं चढ़ेगी, ठीक कर सके और तो वो पॉइंट मिल चुका है, वो खड़े सामने लोग जिन्हें जगह मिल गई है, अब जरा हम भी वहीं पहुँचाते हैं और फोटोग्राफी करते हैं थोड़ी सी। हाँ व्यू देखो आप, व्यू मस्त एकदम व्यू है, सीधी रोड है, आपको अच्छे से क्रूज करो यहाँ पे, जगह का नाम है नवाली। यहाँ पे ना कोई लोकल मूवी की शूटिंग हो रही है, थोड़ा सा आपको दिखाता हूँ कौन सी मूवी की शूटिंग है, रुकते हैं एक बार दिखा के चेक करते हैं, कोशिश करते हैं कि क्या दिखता है। मैं पहले देखता हूँ कौन है, है तो सही, कुछ चल तो रहा है, पता तो चले कौन है। पता नहीं चल रहा कौन है। हाँ वो ही लग रहा है मेरे को भी। वो तो ये रेंट आ गया भैया, आ गया, ट्रैफिक तो नहीं होगा वो चेक कर लो बस। क्या हुआ, क्या हुआ, अरे वहां अगर गाड़ियां फंसी होती ना तो दिक्कत होती है यार। वो भी हो सकता है, तो एक्चुअली हम दूसरा रूट ले रहे थे बट हमने फाइनली ये डिसाइड किया नैनीताल मॉल रोड से निकलते हैं, शायद हमें ट्रैफिक कम मिले, और लकीली हमें ट्रैफिक नहीं मिला, इस बहाने हमने नैनीताल लेक का दोबारा से नज़ारे एंजॉय किए, रुकेंगे नहीं हम नैनीताल लेक पे। भीड़ देख रहे हो कितनी है यहाँ पे, बहुत ही ज्यादा भीड़ है। जस्ट सी द व्यू इन फ्रंट ऑफ मी, द रेंज ऑफ हिमालय, ये प्योर जो ऊपर वाली जो रेंज है ना वो पूरी स्नो से कवर्ड है, अमेजिंग व्यू है इस टाइम, मतलब कैमरा विल नॉट बी एबल टू जस्टिफाई जो मेरी आईज देख रही है इस टाइम, जो हाई डेफिनेशन व्यू मिल रहा ना मेरे को, अमेजिंग है। और ये जो रेंज हमें दिखी है पंगोट के रास्ते में दिखी है, जहां हमारा आज का डेस्ट, बट वंस यू मूव टू पंगोट 5 किलोमीटर बाद आफ्टर 5 किलोमीटर यू विल सी दिस रेंज, मतलब अभी तो थोड़ा जो
डे लाइट है ना वो खत्म हो रही है, इट्स गेटिंग ऑलमोस्ट 5:46 o'clock होने वाला है, वरना इसकी विजिबिलिटी और ज़्यादा होती। इट्स ऑल क्लाउडी, फॉग पूरा है नीचे, पहाड़ पूरे फॉग से कवर हो रहे हैं। बट अमेजिंग मैन, अमेजिंग। ये सेम रेंज मेरे को ना खड़ा पत्थर जो है हिमाचल प्रदेश में वैसी दिखी थी, वहाँ पे भी ऐसी रेंज दिख रही थी, बट दिस रेंज इज ऑसम मैन। तो अभी अनदर 6 kilometers इज आवर डेस्टिनेशन, दैट इज पंगोट, और हमारा आज का स्टे वुड बी एट पंगोट रिट्रीट, जो हमने ऑलरेडी बुक कर दिया था। ठंड बहुत ज़्यादा हो गई है, टेम्परेचर गंदा वाला ड्रॉप हो गया है यहाँ पे, मतलब नैनीताल में इतनी ठंड नहीं लगी मेरे को, बट द मोमेंट हम यहाँ पंगोट एरिया में आए ना तो ये थोड़ा ऊपर है, यहाँ ठंड बढ़ गई एकदम से, टेम्परेचर बिल्कुल ड्रॉप हो गया है, तो रात को होने वाली है ठंड। यहाँ से तो व्यू चला जाएगा अब वो रेंज, बट ये रेंज जो है ना हिमालयस की, ये अच्छी खासी लंबी रेंज है, वो देखो अभी भी दिख रही है, और वो नीचे वैली देखो आप। ओहो, रोड पे भी देखना जरूरी है यार, नीचे देखते रहूंगा तो गिर जाऊंगा। तो यहां से तो कुछ दिख नहीं रहा, इट्स अमेजिंग। वो देखो सामने सनसेट होने वाला है ना, मजा आ रहा है यार, बढ़िया एकदम से मूड चेंज कर दिया उसने, मेरा एनर्जी लेवल ना बूस्ट हो गया। अभी मैं पीछे थोड़ा ना एनर्जी भी थोड़ा डाउन फील कर रहा था, जहाँ पे हमने अभी पीछे से एक ना टी ब्रेक लिया था, तो वहाँ मेरा मन नहीं करा ब्लॉक करने का, थोड़ा तो एनर्जी लेवल डाउन था। एक तो चाय इतनी गंदी थी ना कि पूछो मत, चाय चाहिए अच्छी, क्या करे, चाय चाहिए अच्छी तभी तो मन करता है। तो और ये अगेन दोबारा बिल्कुल ही यू नो डेंस फॉरेस्ट है, और मैं अकेला चल रहा हूँ यहाँ पे, मेरे बाकी फ्रेंड्स दिख भी नहीं रहे मेरे को, पंगोट देखा नहीं मैंने कितना किलोमीटर रह गया। देख लो आप रास्ता, देख लो बिल्कुल ही बिल्कुल डेंस है, डेंस फॉरेस्ट के बीच में इन्होंने रास्ता बनाया हुआ, रोड अच्छी है, बहुत अमेजिंग रोड है, और आइसोलेटेड है यार, मतलब नैनीताल आओ, अगर आपको आइसोलेटेड जगह पसंद है ना तो नैनीताल की जगह आप यहाँ आ जाओ, शांत थी जिसे पसंद है, पीस पसंद है, नेचर के पास रहना पसंद है, अमेजिंग प्लेस मैन टू स्टे, अमेजिंग प्लेस। ये देखो, वो देखो सनसेट, देखो सन, देखो बिल्कुल ऑरेंज दिख रहा है, बिल्कुल ऑरेंज। अभी दिखाता हूँ आपको मैं दोबारा से, अभी जो ऐसी रास्ता घूमेगा ना आपको फिर से व्यू दिखाता हूँ इसका, अमेजिंग मैन, पहाड़ों के बीच में ऐसा व्यू मिल जाए मजा आ जाता है। हल्का हल्का वो डिप हो रहा है, कोशिश करते हैं उसका एक फोटो मस्त सा क्लिक हो जाए। दिख रहा है आपको थोड़ा थोड़ा बीच बीच में दिख रहा है वो ऑरेंज, फाइनली आज की डेस्टिनेशन है पंगोट, और हम पंगोट पहुंच गए हैं, और अब जस्ट जा रहे हैं जो हमारी डेस्टिनेशन है जहाँ पे हमारा स्टे है, और वो नीचे है, वो रहा सामने, वो सामने तो है हमारा, वो सामने तो है, वहां लगा रहा सीमेंटेड रोड पे ले रहा हूं। हमारी ये आज की डेस्टिनेशन है पंगोट रिट्रीट, और ये रहा हमारा रिजोर्ट आज का। मैं ऐसे 2-3 साल पहले आया था, तो बड़ा मज़ेदार व्यू था, क्योंकि तब मानसून टाइम पे आए थे तो सारे क्लाउड्स नीचे थे,
अमेजिंग व्यू था। ओए 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 इधर आ इधर आ इधर आ, ये देखो एक अपना दोस्त मिल गया। हाँ यार, आप अगर मेरा इंस्टाग्राम चेक करोगे ना तो उसमें इसकी फोटोग्राफ भी है। हाँ भाई चलो। सो ये है हमारा आज का स्टे, ये है नीचे दो बेड और सरप्राइज इज हियर। ये रहा मैं, अंधेरा है ना, दिखेगा नहीं रहा। और ये है ऊपर चढ़ के, ओ ओ ये है एक्स्ट्रा बेड, एक के ऊपर एक। बहुत ही कोजी रूम है, ठंडा तो बाहर टेम्परेचर तो बहुत -1 -2 है, बट अंदर का टेम्परेचर इज गुड, कोजी टेम्परेचर है। बाहर का माहौल आपको थोड़ा फील कराता हूँ, लोग हो रखे हैं मस्त, वो देखो। सो मिस्टर शेखर आज के हमारे शेफ हैं। मेन्यू में हमारा आज तंदूरी चिकन है। मिस्टर शेखर क्या कहना चाहेंगे आप? लाइट दिख रही है, आप नहीं दिख रहे लेकिन भाई दोस्तों ने ऐसे बूस्ट किया पूरे टूर पे, इतना मजा आया है कि, और बना के खिलाने और खाने का जो मजा आ रहा है ना, इस टूर की स्पेशलिटी ये रही है सीरियसली। तो मैं आज का डे क्लोज करता हूँ दोबारा से, क्योंकि मेरे को आपको दिखाना था कि आज की हमारी कुकिंग कैसी चल रही है और क्या हमने बनाया है। तो मिलते हैं कल सुबह मॉर्निंग में, तब तक आप इंजॉय करो, और अगर आप तक अपने चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब करना, लाइक जरूर करना। बाय।